सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षी गुप्ता यूट्यूब चैनल। सो आज हम आए हैं एक एंगेजमेंट ब्राइड के साथ। नेम क्या है मैम आपका? सुप्रीत कौर। से हाय। हाय। जिनको आज रेडी करेंगे हिमांशु सर, और इनका जो ब्राइडल है वो कल मॉर्निंग है साक्षी मैम से। तो आपको कैसी लुक चाहिए सुप्रीत सर? एक अच्छी प्रिंसेस लुक दे दो। प्रिंसेस लुक। आपने आईज कैसे रखनी है? ग्लिटरी रखनी है, शिमरी रखनी है? ग्लिटरी रखते हैं। चलो ठीक है, स्मोकी ग्लिटरी है इस तरह। स्किन टाइप कैसी है आपकी? मेरी सेंसिटिव है। ठीक है, चलो आईज क्लोज कर लो, कि ओपन नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है। तो आई बेस के लिए सर यूज कर रहे हैं टाट का कंसीलर। टाट का मीडियम शेड हम लगा रहे हैं आईज पे। ब्रश काम कर रहे हैं मेरी। ब्लेंड करने के लिए हम ब्लेंड टेक्निक का स्मजिंग ब्रश ले रहे हैं। पूछिए मामा ग्लिटर निकालना भी लिप की। काजल डालते हो? तो भी जो हम पेंसिल यूज कर रहे हैं ये फरम 52 की यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन पर आप ब्राउन ग्लिटर स्मोकी आईज दूँ, थोड़ी सी डार्कर हो। और साथ के साथ हमने इसे स्मज करना है। अगर स्मज नहीं करेंगे तो ये पेंसिल ड्राई हो जाएगी, फिर हम ब्लेंड नहीं कर पाएंगे इसे अच्छे से। तो मेरे को सामान पकड़ा करो। ज्योति फ्री हो गए? सिमिलर हमने सेकंड दूसरी आईज करनी है। चुप रहो सुना, ब्रश तुमने वापस डाल दिया, तंग नहीं करना मेरे को। अंकिता मेरा हेड तो नहीं आ रहा ज़्यादा बीच में, विजिबल हो रहा है? हाँ थोड़ा बहुत। नहीं वैसे विजिबल हो रहा है? हाँ जी। मेरे को वो दे दो एफसी पैलेट और मैक शेडोज। तो अभी हम ट्रांजिशन शेड रखने लगे हैं। जो ट्रांजिशन शेड हम यूज़ करेंगे वो करेंगे माई ट्वीटी मैक का। हमारे पास सिंगल शेडो है ये वाला एफ सी पैलेट फैशन कलर की ब्राउन वाली है ना। ट्रांजिशन शेड पे हम लाइटर सा माई ट्वीटी शेड लगा रहे हैं, और उसके बाद हम क्रीज शेड देंगे उसे इंटेंस करने के लिए। आपने भी कहाँ जाना है सुप्रीत? होटल ऑन। होटल। कितने बजे का टाइम है आपको? 7 PM। 7 PM।
एक और शेड होगी ना आपकी। वो निकाल दिया। कौन सा बोला था मैंने शेड? रुचि मामा। थोड़ा सा उसमें वो मिक्स करना है हमने शैंपेन विशेष। तो अभी हम मीडियम ब्राउन शेड ले रहे हैं। मीडियम ब्राउन शेड लेके हम इसकी क्रीज को ब्लेंड कर रहे हैं ट्रांजिशन और डार्क कलर के बीच में। मेरी तरफ टर्न करना। आप क्या करते हो? तो कौन सी क्लास को आप पढ़ाते हो? अकाउंट्स वगैरह पढ़ाते हो? कहाँ पे? यहाँ पे मोहसिन नगर है जो इंस्टीट्यूट। वो आपकी स्टडीज कंप्लीटेड है? हमारा स्मोकी आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, बट अभी हम डार्कर शेड लगाने लगे हैं। दिख रहा है? यस। थोड़ा सा और इंटेंस करने के लिए फ्लैट ब्रश के साथ पिक कर रहे हैं, डस्ट ऑफ करेंगे। ग्लू डाल दो प्लेट पे और मेरे को रिकोर्ड ब्लैक पेंसिल चाहिए। तो फिर अभी आपने ड्रॉप करा हुआ है? यस। मतलब अभी लीव कर दिया? नहीं, ड्रॉप किया, अभी बाद में कंटिन्यू करूंगी। ये आप अभी सेम प्लस एंड टेस्ट को बढ़ाते हैं थे अभी नहीं भी अपने सुनना होती को डीप टू रीज से हिंदी होता था। वो प्लस एंड टेस्ट को नाम से बढ़ाते पूछे में डाल दिया और डालना। तुमने शैम्पू नीचे से थिंग वगैरह डाला पहले? नहीं
और फॉरएवर 52 की ब्रॉन्ज बुला दो ना तो मैंने रूम में बस एक मिनट बाद इनके भेजो ये डालो ब्रॉन्ज एक मिनट और मुझे मामे मेरे को ग्लिटर चाहिए आई ओपन कर लो अच्छी लग रही है ये ग्लिटर्स नहीं मिल रही ऊंची मामा कहाँ पर है ये ऊंची मामा ये वाली ऊंची मामा थोड़ी है ये वाली जल्दी दे दो ग्लिटर यार उधर वीडियो चल रही है मैं नहीं चाहता मैं आज वीडियो में तुम्हें जलील करूं नाम दे दे कि ज्योति ग्लिटर जल्दी डाल दो ग्लू जो मर्जी है उस पे टैग लगा दो महक उस पे टैग लगा के रखो चलो अब आइस बंद कर लो अभी हम ग्लू लगाने लगे हैं तभी तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे रिश्तेदारों को भी पता लगे तेरा लोग कितने अच्छा काम कर रहे हैं मिक्स ग्लिटर लिख दो ना उतार लिया अरे यार फिर भी मैंने मतलब काम से बची जाओ तू महक अभी हमने दो ग्लिटर्स मिक्स करी है एक फॉरएवर 52 की ब्रॉन्ज है और एक हुची मामा है हमारी लिट कॉस्मेटिक से बहुत अच्छी ग्लिटर है और ग्लिटरी ब्राउन स्मोकी फिर आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा टिलबरी 4 डाल दो पंजाब सॉरी 4 नहीं 7 पंजाब और 3 and 4 inch थ्री एंड डाल दो मतलब जो डेवलपमेंट आकर वाला दो मिनट करवा दो मैं बस वो डाल दो फाउंडेशन डाल लिए नहीं दोनों दोनों 4 एंड डाल दो हाईलाइट 3 एंड और 2WP हां 3 मतलब डार्क कर वाली ब्रोबोन हाइलाइटर स्टिल और सिंगल स्टिल ले लो और लाइनर दे दो वेट वाइप ओपन कर लो आई चलो मैं ओपन कर लूँ ऊपर देखना लुधियाना से मैरिज कहाँ हो रही है आपको लुधियाना ही लुक कर ली
बाहर जाने का मूड नहीं था। हस्बैंड बाहर के ही है। बाहर के ही? ऑस्ट्रेलिया से। अरे बाहर के सेट हो रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ऑस्ट्रेलिया से। तो आपने कब जाना है? फाइल लगेगी ना? हाँ जी। तो वो तो भी चले जाएंगे फिर। फिर आप मिस करोगे। अरेंज मैरिज है? ये देखा था बाहर वाला ही ढूंढना है या बाहर वाला मिल गया? नहीं वो फैमिली में से गया। फैमिली में से गया? हाँ घर का बंदा ही है वो। दो स्मैश बॉक्स। तो हमारी स्मोकी ग्लिटरी ब्राउन आईज हो चुकी हैं, बहुत प्यारी सी। अभी हम स्मैश बॉक्स का प्राइमर लगाने लगे हैं। और मेरे को एक अच्छी सी हैवी लैशेस निकाल दो, बुशी सी, बहुत हैवी भी नहीं, बुशी वाली। एंड हमारी गाइस एचडी लैशेस लॉन्च हो चुकी है, और अगर किसी ने लेनी है वो स्टूडियो से हमारे कलेक्ट कर सकता है। बहुत जल्दी ऑनलाइन भी आ जाएंगी। टर्न करना इधर, लुक अप। मेरे हैंड्स को देख के कमेंट मत करना, ये ऑलवेज गंदे रहते हैं। वो ठीक है, देख रहा हूँ। ये ज़्यादा नहीं गिरी तुमने? सीरियसली है ये? ठीक है। दे दो, अभी लगाना है। मैं है ज्योति दी, क्या कर जा रहे हो? समान टाइम पे दे दो। तो कैरेमल दे दो मेरे को। टैंसेंट दो, कैरेमल दे दो। चलो कभी हम करेक्शन के लिए सिर्फ कैरेमल शेड लगा रहे हैं, जो कि नार्स का शेड है। रुका, बस ये किसी को नहीं करनी। लिप कलर आपको कैसे चाहिए? लाइट डार्क जैसे अच्छा लगे। तो आपने इधर कैसे चूज किया? आपने इधर से करवाना है? मेरी कजन है, उसकी फ्रेंड है वो। ठीक है, वो जानते हैं, उन्होंने रेफर किया था कि क्या नाम है उनका? सिमरन। सिमरन शायद मैं भी देखे इस वीडियो को। थैंक यू यार प्रेफरेंस के लिए। अच्छी बात है। फाउंडेशन डाल दी? कौन कौन सी? वही डाल के गई मैंने। टर्न करना मेरी जगह, हेड तो नहीं आ रहा था। उसमें से 4 दिन है डिलीवरी में से।
तो अभी हमने काफ़ी सारी फाउंडेशन इसमें मिक्स कर ली है, मतलब दो तीन ब्रांड्स के हमने मिक्स कर चुके हैं। और अभी हम अप्लाई करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। उधर बच्चों को हो गया बुरी चक्कर। आईब्रो सर थिन रखना, आईब्रो सेटल चाहिए आपको, मतलब डार्क नहीं चाहिए, थिन है हमारी, ऐसे भी वैसे ही रखनी जैसे हैं। हाँ जी, ज़्यादा ड्रॉन करनी, ठीक, एंड लुक थोड़ी फेस में ब्रॉड आए, फेस ब्रॉड है। हाँ जी, सभी चाहते हैं कि मेरा फेस पतला ना चाहिए, ऑलरेडी पतला। हाँ तो वैसे फिर अच्छी बात है, सभी मतलब वे बस लास्ट ब्राइड कह रहे थे कि मेरे को फेस पतला चाहिए, तो तुम्हारा है तो भी ब्रॉड थी, तो बस इतना भी पतला नहीं है इसी के अकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, उनका ब्रॉड है। हां जी, कोई बात नहीं, हम मतलब बकरे दिखेंगे, मैच करना चाहिए। हां जी, लाइट बेज अभी हम कंसीलर करने लगे हैं, थोड़ा सा एक टोन फेयर, अभी हम टू फेस का लाइट बेज यूज करने लगे हैं। हमें बेस को बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करना है अच्छे से, स्पाइरल ब्रश देना। मेकअप कर रहा होता है मेरे को हेयर ना फेस बिल्कुल भी, बहुत गुस्सा चढ़ता है जब बीच में आते हैं, क्या करें। तो फिर आपने ये कैसे रखा, एक मैम से एक सर से, दोनों अच्छा लगता है ना। अच्छी बात है, मोस्टली यहाँ पर मेकअप से ऐसे ही होते हैं। देखो कॉन्टूर दे दो, रिकोट का क्रीम कॉन्टूर,
रंजना का मित्र लगा दिए नहीं लगा दिए कब लगाने दूसरा भी दूसरा और स्माइल ओए शोर नहीं करना क्या कहती तू मैंने कुछ बोला लिफाफों की आवाज़ नहीं थोड़ा सा हम लिटिल बिट कंटूर करने लगे हैं हम डीप सैंड शेड यूज कर रहे हैं टाट का इसको हम ब्लेंड करेंगे मेरे को ब्लेंडर्स चाहिए दोनों नाम कौन बैच 6:30 चले जाए 6:30 साक्षी ठीक है एक बारी बैच का ना पूरा निपटा दो जाओ 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 इधर टर्न करना देखिए वीडियो सही बन रही है मैं एक लगी हुई उधर वहीं लग कर लो स्ट्रेट लिप्स इन अंदर तो थोड़ा सा ऐसी तेज कर दो ओके अब बुकिंग करवाने आए थे पहले भी आए हुए हो बुकिंग के लिए तब मैं था ना उधर यस तो देखा तो हुआ मैंने क्या हुआ ऊपर ही देखना ठीक है सामने दुकान
अभी हम शनैल का पाउडर यूज कर रहे हैं पाउडर सेटिंग के लिए। अंडर आईज पाउडर आपने ऑलवेज अच्छी तरह सेट करनी है क्योंकि इस पे बहुत जल्दी क्रीजीज आ जाती हैं। क्लोज कर लो। अरे मेरा फोन आ रहा है देखना। स्लोली स्लोली रोलानी पहन जैसे कंजना मेरी तरफ हाँ ठीक है जा सकते बेसर वगैरह। सो गाइस अभी हमने बेस सेटिंग कर ली है, अभी हमने इस पर बहुत ब्यूटीफुल से कलर ऐड करने हैं, ब्लशर कॉन्टूर हाइलाइटर, तो अभी वो सब ऐड करने लगे हैं। सबसे पहले करते हैं हम टिलबरी का ब्लशर करने लगे हैं, ये वाला पिंकी सब थोड़ा थोड़ा स्माइल। थोड़ा सा नोज पे एंड चीन पे हल्का हल्का कॉन्टोर डिलीवरी। थैंक यू। सेम हम कॉन्टोर करने लगे हैं टिलबरी का, इसका नंबर है नंबर 3। बहुत लाइटर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। टर्न करना इधर दूसरी साइड दूसरी 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 तो आपको जब एक डेढ़ साल लग जाएगा, मतलब साल तो लग ही जाएगा रहते हुए ना हमसे, फिर इतनी देर अब कहाँ रहोगे, अपने घर दूसरे घर।
तभी वहाँ पे जा मन के कोई अच्छा अच्छा रिश्ता मिला बताना मैंने नहीं तो बहुत होते हैं तो करना बंद मत करना मुझे तो भाई इंडिया में देना इधर ही काम चला बाहर भी जाएंगे बट घूमने के लिए मेरे तो खुद पेरेंट्स ने बहुत बोला है जा भाई जा भाई मेरे सारे दोस्त बाहर चले गए सारे कनाडा बैठे हैं सारे जो तो फ्रेंड क्लीन करना फिर सारा मेरा ए टू जेड मतलब जो भी एक दो ही हैं बाकी सारे बाहर चले गए जाना सर कनाडा हाँ मैं घूमने ही जाऊँगा सारे दोस्तों के साथ ब्रॉन्जर फ्रेंड क्लीन कर दो मिनट घूमने जाएंगे इनके पास एक डेढ़ महीना चलो अब तो फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो मिलेंगे भी जो भी ऑस्ट्रेलिया से ये देख रहे हैं कुछ मिलेंगे कहाँ जा रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ढूंढ लेना इनके करो फ्रेंडली वो क्या करते हैं मेलबर्न में उनका अपना है रेस्टोरेंट अच्छा सही है बोलो उधर आपके आप जाओ मतलब चाहोगे कि आपने वर्किंग रहना हां जी सर मतलब बैठा ही जाएगा फ्री नहीं बैठा रहेगा बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट अच्छा हां इंडिपेंडेंट मतलब वर्किंग सारा दिन घर पे बंदा बैठ के क्या करे आप मतलब इतनी अच्छी नॉलेज है आपके पास टीचिंग लाइन में ऑलरेडी है जरूरी तो नहीं काजल डालना ही है ना पहले डालने के आज थोड़ा म्यूट सा रखते हैं अच्छा लगेगा थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सेट कर दो थोड़ा सा चलो तो ये बात बस 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 ऊपर देखना टर्न मीडियम लॉन्च है ओपन कर दो ऊपर थोड़ी सी मैं ब्राउन पेंसिल स्मज कर रहा हूँ इंच पे बहुत हल्की हल्की टर्न करनी थी ठीक
सेम माइक वीडियो हम थोड़ा सा नीचे लगा रहे हैं ताकि थोड़ा सा नीचे न्यूडी शेडो भी रहे। आपने बहुत सॉफ्टली अंडर आईज को स्मज करना, सामने देखना, बहुत ज्यादा स्मजिंग नहीं करनी है। और ये मेरा छोटा झाड़ू ब्रश है, नाम वाला, थोड़ा बड़ा है। क्लोज कर दो। अभी हमारी लैशेस लगाने की बारी आ गई है, तो अभी मस्कारा करने लगे हैं। सबसे पहले लुक डाउन, ओपन, नीचे देखना, बंद मत करना होगा। पानी नहीं निकालना, जबरदस्त। अंडर आईज के लिए आप कोई भी मस्कारा यूज कर सकते हो, जो मैम यूज करते हैं फेरर उशी का, वो भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी इससे प्रैक्टिस है तो ये वाला तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। कंट्रोल कंट्रोल आई निकालना, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो आईज। लाइनर को हम रिपीट करने लगे हैं। ग्लोइंग ज्यादा रखना,
ग्लो ग्लो चाहिए पूरा। बर्ड देना, मिल गया। ओपन करो आईज, ओपन ओपन ओपन, पानी नहीं निकालना। अब तो नहीं आ रहा, ठीक है, क्लोज कर लो। लाइनर, लाइनर ब्रश ओपन करो, नीचे देखना। देखो लैशेस की लुक कितनी अच्छी आ रही है, लैशेस पूरी गेम चेंज कर देती है ऑलवेज। क्लोज क्लोज क्लोज। अब इसका मतलब ये नहीं कि लैशेज ही सिर्फ अच्छी है, मेकअप भी अच्छा है। और डाल दो जी। कौन है? अभी चले जाओ। जो भी आपके ग्लिटर पार्टिकल्स अगर गिरते हैं उसे साथ के साथ डस्ट ऑफ कर दो, अदरवाइज वो बेस में मर्ज होने लग जाएंगे या चिपकने लग जाएंगे। तो अगर कोई भी डार्क ग्लिटर कभी गिरते हैं तो साथ के साथ उसे रिमूव कर दो। तो अभी हम ब्रोज बनाने लगे हैं। ब्रोज से पहले हम हाइलाइटर करेंगे क्योंकि इन्हें काफ़ी ग्लोई बेस चाहिए, तो थोड़ा सा ग्लो ऐड करने वाले हैं। फिक्सर है ना मैक। तो अभी हम मैक फिक्स प्लस करने लगे हैं। स्माइल, आइस क्लोज 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 क्लोज, दबानी नहीं है, इस नॉर्मल रखनी है। फील हुआ पानी? नहा लिए फिर से आज। अच्छी लग रही है उधर। टर्न करना तो हाँ, स्माइल थोड़ा सा और टर्न करो। हाइलाइटर कभी भी अपने फ्रंट से लगाना नहीं शुरू करना। कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा हाइलाइटर हमारा फ्रंट पे लग जाता है, तो ऑलवेज आपने मर्ज करते हुए आगे लेके आना है क्योंकि चीक्स पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ वो ग्लो करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाइलाइटर दबाया हुआ है, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। साथ में थोड़ा थोड़ा टर्निंग पॉइंट्स पे हम लगा सकते हैं। टर्न दूसरी साइड।
हाइलाइटर्स आप बता सकते हो हमें कमेंट बॉक्स पे कि हमने कौन कौन से यूज करे हैं, क्योंकि आप मैम की वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको पता होना चाहिए। सेम हाइलाइटर मैं भी यूज करता हूँ, तो बताना है अपने कमेंट बॉक्स में कि हमने कौन कौन से हाइलाइटर मिक्स करे, क्योंकि एक हाइलाइटर नहीं इसमें यूज हो रहा है, इसमें तीन तीन यूज हो रहे हैं। स्ट्रेट चलो अब आ गई ब्रोज की बारी, हम भी अब ब्रोज बनाएंगे। ब्लश थोड़ा सा ब्लश रिपीट कर रहा हूँ स्माइल, क्योंकि जैसे ही हम हाइलाइटर ऐड करते हैं थोड़ा सा हमारा ब्लशर हो जाता है, मतलब दब जाता है, तो हमें ऑलवेज उसे ऑन रखना है। बाकी डिपेंड करता है क्लाइंट कितना कैरी करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपने चलना है। ब्रोज बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रो टिंट कर रहे हैं, इसमें ना लिप कलर जरूरी है। हां फिंगर क्यों अभी तो निकला, बड़ी अच्छा है ना, गंदा है क्या? क्यों विक्स की खुशबू आती है? किस से विक्स की? ऐसे तो स्प्रे वाला विक्स ही होता है, हां सिर में चढ़ता है बहुत ज्यादा। कौन सा लिप कलर निकालना है सर? अभी निकालने के लिए, वो भी मंगवा लिया हमने मैक का। कौन सा? वो नहीं जो बच्चे के पास है ना, रेडी। इनको बहुत थिन ब्रोज चाहिए जैसे इनकी ऑलरेडी है, तो हमने बहुत ज्यादा फिलिंग नहीं करनी है क्योंकि फिर वो इन्हें मेकअप लगेंगी, तो हमें जैसी है बस इसे थोड़ी सी ड्रॉ करना है। टर्न करना मेरी तरफ,
हेलो, हाँ जी, हाँ लेट हो गए, कहाँ पर हो, कहाँ पर, अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कल का रख लेते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, इतनी देर से देखी ना चीज़ में यूज़ नहीं करी, पर इतना बता था कि ब्राउन तो है, इतनी मिक्स नहीं हो सकती है। और मैं फिर जल्दी जा रही हूँ। मुझे सुबह फोन आया, मैंने तो अपना प्लान कैंसिल किया, प्लान था 28 का। नहीं नहीं प्लान है तो प्लान रखो। नहीं नहीं मतलब ऐसे ही था भाई के साथ ही, तो फिर तुम्हारा इसलिए नाम लिया, तुम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहते हो, बड़ों तो रहना भी। मुझे तो सर बहुत ज़रूरत है। नहीं मैं वैसे तुम्हें समझा रहा हूँ, जो ये ना हो कि मैम अगली बारी सोचे कि नहीं। कसौली में तो गई थी, जहाँ भी तभी मैं कह रहा हूँ तुम्हें। फ्रीलांसिंग पे जाना एक डिफरेंट थिंग है, बट उधर जाना अलग है और मास्टर क्लास में जाना भी अलग है। देखना स्ट्रेट लिप कलर निकाल लो यार, अच्छा ठीक है ना, ये वाला लेटर हो जाएगा। इसमें हम ये वाला कौन सा मिक्स कर सकते हैं, ये भी लाइट है, हटसन में ये वाला मिक्स कर दो। आईज ओपन करो, लिप पेंसिल होगी नहीं करनी है, ये ऊपर साउंड कर दो। हेवी हेवी फील हो रहा है, भी जा रहे हैं।
लेंस भी बहुत सूट कर रहे हैं। क्लोज करो, क्लोज करके राउंड मूव करो, नीचे देखो ऊपर। क्लोज करो, क्लोज करके अंदर ही अंदर राउंड मूव करो। थोड़ा सा ना इसमें पीनट डाल दो, पीनट क्योंकि हमें लिप कलर काफी लाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे डार्कर करने लगा हूँ। Lips open. ठीक है ना? अच्छा लग रहा है। वो निकालो क्लॉस। टर्न करना इस तरफ, मेरी तरफ। कल मैं सर इवनिंग में पैक, सॉरी आफ्टरनून में कर लूँगी पहनूंगी पैक। क्लोज करना। इवनिंग में तो आपका ईयर किला। पापा जा रहे हैं? क्या कह रहे हो? पापा जा रहे हैं? वो तो कल ही जा रहे हैं। ठीक है। ठीक। स्माइल करना। बोला नहीं यार उन्हें साउंड के लिए? बोल दिया, वो एक्चुअली क्लाइंट्स है तो मेकअप सीख रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है लिप कलर और आईज भी बहुत अच्छी लग रही है। बस ब्लशर निकाल लो और फेंटी निकाल लो। आईज ओपन कर लो। ठीक है, अभी लेंस ठीक लग रहा है। हमारा सिर्फ अभी लिप ग्लॉस पेंडिंग रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ा सा हम हाइलाइटर करेंगे, ब्लश करेंगे और फिर दैट्स इट। स्पाइरल ब्रश कर लो।
हो गया उनके पास? हाँ जी सर। ये पकड़ो। सॉरी। वो दो ग्लास। अच्छा ठीक, कौन से ग्लास के पर ये क्रीम वाले है ना? हाँ जी। तो अभी हम फेंटी ब्यूटी की लास्ट मोमेंट पे लिप ग्लॉस लगा रहे हैं, जो कि हमारी ऑल टाइम फेवरेट है, ऑलवेज अच्छी लगती है। ब्लशर वो है ना, मैक का पीछे स्माइल फेंटी फेंटी ब्यूटी। सो गाइस हमारी ये लुक कंप्लीट हो चुकी है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लुक, आशा करता हूँ क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, सो यू ऑल लाइक दैट, हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये लुक बहुत अच्छी लगी होगी। यार माफ करना यार, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी सी है, पंजाबी मेरी बहुत अच्छी है। इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों में बोल दो, क्योंकि सर पंजाबी में भी गल कर सकते हो, पंजाबी में भी बात कर सकते हैं, बट मैंने फिर मिक्स कर दी। तो हमारी अभी जो ब्राइडल लुक है एंगेजमेंट वाली, वो रेडी हो चुकी है, तो अभी हम इनका बस लास्ट टच, मतलब हेयर अभी टच अप पेंडिंग है। सो बाय बाय, हो गया टच अप करवाना, आ जाओ। सो बाय गाइस, लिपस्टिक का कोट लगा दो प्लीज। हां लिप